न्यूज स्पॉन्सर्ड बाय सुपर 35 कोचिंग इंस्टीट्यूट रीवा। रीवा जिले के देवतला विधानसभा क्षेत्र के मैरहा गांव के निवासी वर्तमान निवासी वार्ड क्रमांक 9 विभीषण नगर के राहुल कुमार शुक्ला का चयन देश के सर्वोच्च संस्था भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र में असिस्टेंट साइंटिफिक ऑफिसर पद पर हुआ है। गौरव की बात है कि उनकी देश भर में 6वीं रैंक जारी किए गए परिणाम में आई है। परिवार के लोगों ने ये भी बताया कि ये पूरे परिवार के लिए गौरव का पल है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र मुंबई में है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र भारत का परमाणु ऊर्जा आयोग के अंतर्गत आता है। देश में परमाणु बम, परमाणु ऊर्जा एवं उच्च प्रयोगों के लिए ये जाना जाता है। इनमें चयन होना बड़ी बात है। यह रीवा जिले के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। राहुल कुमार शुक्ला शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज में बीटेक के सिविल ब्रांच में फाइनल ईयर के छात्र हैं। उनके द्वारा वैकेंसी निकलने पर इसके लिए ऑनलाइन आवेदन किया गया था, जिसके बाद 4 अप्रैल 2022 को जबलपुर में उनकी परीक्षा हुई और परिणाम आने के बाद 31 मई को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था। करीब 1 घंटे राहुल का इंटरव्यू मुंबई में हुआ और इसके बाद गत 12 जुलाई को इसका परिणाम जारी किया गया, जिसमें इस केंद्र के लिए देश भर से चुने गए 187 लोगों में राहुल कुमार शुक्ला की 6वीं रैंक है। आपको बता दें कि राहुल कुमार शुक्ला ने इस उपलब्धि से रीवा सहित विंध्य क्षेत्र को गौरवान्वित किया है। राहुल एक मध्यम वर्गीय परिवार से हैं। उनके पिता शिव कुमार शुक्ला शहर के सिंगरौली हाउस में सिक्योरिटी गार्ड हैं। माँ संगीता शुक्ला गृहिणी है। आर्थिक तंगी के बीच राहुल ने इस संघर्ष के साथ उपलब्धि को हासिल किया है। वर्तमान में रीवा के विभीषण नगर में वो अपने चाचा के मकान में रह रहे हैं। उन्होंने अपनी कामयाबी का पूरा श्रेय चाचा को दिया है। आर्थिक मदद चाचा ने की। अपनी स्कूल की शुरुआती पढ़ाई मनेंद्रगढ़ में कक्षा 5वीं तक की और उसके बाद 12वीं तक वो गीता ज्योति स्कूल में पढ़े हैं और उनका चयन शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज में बीटेक के लिए हो गया। राहुल शुरू से ही मेधावी छात्र के रूप में जाने जाते हैं। उनके द्वारा अच्छे नंबरों से परीक्षा को उत्तीर्ण कर अपने परिवार और जिले का मान बढ़ाया है। आपको बता दें कि राहुल कुमार शुक्ला से हुई बातचीत में उन्होंने बताया कि वो IAS बनना चाहते हैं। इसके लिए वो आगे चलकर तैयारी भी करेंगे। चूंकि परिवार में आर्थिक तंगी थी तो उन्होंने बीटेक पूरी करने से पहले ही नौकरी तलाश की और इसी बीच भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र में आवेदन भी किया। उनका प्रथम प्रयास में ही चयन हो गया। करीब 12 लाख रुपए सालाना का पैकेज राहुल को फिलहाल दिया गया है। उन्होंने कहा है कि वो आगे IAS की तैयारी करेंगे। युवाओं को संदेश देते हुए उन्होंने कहा कि युवा अपना लक्ष्य बनाएं और केवल उसी पर केंद्रित होते हुए उसे पूरा करने का प्रयास करें। उन्होंने अपनी उपलब्धि का श्रेय अपने दादा, माता पिता व चाचा सहित अपने मित्र ज्ञानेंद्र सिंह और धीरेंद्र मिश्रा को भी दिया है। उन्होंने कहा कि ये वो लोग हैं जिन्होंने उन्हें यहाँ तक पहुँचने में कदम कदम में मदद की है। वहीं राहुल को बधाई देने पहुंचे पूर्व पार्षद सतीश सिंह ने माला पहनाकर मुंह मीठा कराने के बाद उन्हें बधाई दी। उन्होंने वार्ड 9 के साथ साथ जिले प्रदेश का भी नाम रोशन किया है। उनके साथ में राम सेवक पांडे समाज सेवी, राजेश मिश्रा वार्ड 9 संयोजक भाजपा, वीणा शुक्ला दीनदयाल मंडल मंत्री भाजपा, CP सेन कोषाध्यक्ष दीनदयाल मंडल भाजपा, किशन मिश्रा सह संयोजक वार्ड 9 के साथ कई कार्यकर्ताओं ने पहुंचकर फूल माला और मुंह मीठा कराकर बधाई दी। इसके साथ ही उन्होंने आगे IAS बनने के लिए भी उन्हें शुभकामनाएं दी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, विराट 24 न्यूज। आपका शुभ नाम क्या है? राहुल कुमार शुक्ला। कौन सी परीक्षा भी आपने उत्तीर्ण की है? PARC का, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का एज असिस्टेंट साइंटिफिक ऑफिसर। चलिए, कहाँ से कोचिंग की आपने? नहीं, कोचिंग मैंने नहीं कोई। कैसे आपने इसकी तैयारी की? इसकी तैयारी मैंने सेल्फ स्टडी से की और फ्रेंड्स के उससे मदद से। कुछ दो फ्रेंड्स हैं जिनका नाम धीरेंद्र मिश्रा और ज्ञानेंद्र सिंह, दोनों ने मेरा पूरा सहयोग दिया है इस पूरी परीक्षा के परिणाम तक। इसमें आप किसका श्रेय मानते हैं, किसके कारण माने आप यहाँ पे? इसके मैं कई लोगों को श्रेय देना चाहूँगा, जैसे कि मेरे चाचा जी हो गए और मेरे बब्बा जी और पापा मम्मी और सभी मेरे परिवार और साथ ही मेरे दोस्त हैं जिन्होंने मेरा अंतिम तक साथ दिया है। माता पिता का क्या सहयोग रहा आपके? माता पिता का पूरी तरह सहयोग रहा, जैसे कि जहाँ मुझे सपोर्ट मिल चाहिए, कभी उन्होंने ये चीज़ फोर्स नहीं किया कि तुम्हें यही चीज़ करना है या फिर तुम्हें जो करना है वही, मतलब कि मुझे जो करना था उन्होंने कभी ये रोका नहीं कि तुम्हें दूसरे फील्ड में जाओ या किसी कोई दूसरा चीज़ करो। ये चयन होने पर क्या महसूस कर रहे हैं? मैं तो बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। उम्मीद नहीं थी कि इतनी बड़ी जगह है मैं जा पाऊँगा, पर सभी के आशीर्वाद से मैं इस तक पहुँचा। रीवा में कहाँ कहाँ पढ़ाई की है? मैंने रीवा में पहले मैं मनेंद्रगढ़ में पढ़ा था 5th तक, उसके बाद मैंने सत्यमकटमी स्कूल में पढ़ी है 8th तक, उसके बाद मैं गीता ज्योति स्कूल में 9th-12th पढ़ा, उसके बाद मेरा JEE मेंस में सिलेक्शन हुआ था और उसके थ्रू मैंने रीवा इंजीनियरिंग कॉलेज में सिविल एज ए सिविल ब्रांच में मैं एडमिशन लिया हूँ और उसके अभी मेरा परिणाम 4
4 जुलाई को आया है। उसके बाद 12 जुलाई को मेरा BARC का परिणाम आया है और मैं उसमें चयनित हुआ। युवा के लिए क्या आपका संदेश है? बस मेरा यही युवा के लिए संदेश है कि जो भी करें एक लक्ष्य निर्धारित करें और उसी में लगे रहें, मार्ग से अपने न रीवन। कोचिंग वोचिंग भी की है कहीं? नहीं। घर में सेल्फ स्टडी करके आपने कैसे माने क्या सुन? देखिए यूट्यूब में ऑनलाइन बहुत सारे मटेरियल कंटेंट अवेलेबल हैं। अगर आपको पढ़ना है वास्तविक में तो आपके पास बहुत सारे सोर्स हैं। अगर आपको नहीं पढ़ना है तो बहुत सारे ऐसे भी चैनल्स हैं जो कि आपको डीमोटिवेट कर देंगे, लेकिन अगर आपको पढ़ना है तो बहुत सारे चैनल हैं जो बहुत अच्छा कंटेंट देते हैं। आपको रीवा के अंदर कोई कोचिंग भी दे सकती है। अच्छा चाचा चाची का क्या सहयोग था आपका परिवार में? चाचा का मेरे पूरे उसमें जहाँ भी मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट मिला है, एज अ मेंटली भी, कि तुम मतलब कई बार मुझे ऐसा लगा कि मुझे जॉब करनी चाहिए, फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, उन्होंने हमेशा सपोर्ट किया कि तुम्हें फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तुम अपने लक्ष्य पे फोकस करो। चाचा जी क्या करते हैं? मेरे चाचा जी सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, अभी पुणे में हैं, और मेरी चाची जी भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं जो कि US में हैं। अब पापा क्या करते हैं आपके? मेरे पापा जी सिंगरौली हाउस में सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करते हैं, ऐसा हाउस टेक। कब से सिक्योरिटी गार्ड की जॉब कर रहे हैं? ये आई थिंक सिंगरौली हाउस में 2014 से कर रहे हैं। सिक्योरिटी गार्ड है जी। क्या नाम है आपका? कुमार शुक्ला। ये आपके बेटे जो नौकरी उनकी राव शुक्ला काहे में उनकी जॉब लगी है? उनकी जॉब लगी है BARC। कौन सा रैंक आया है उनका? सिविल ऑफिसर रैंक। उनको सफलता, इतनी बड़ी सफलता मिली, इसमें क्या मार्गदर्शन और क्या आपका सहयोग रहा उनके लिए? इसमें जो है मुझे जो है उनकी जो है उनके कठिनाइयों पर जो है मैंने जो है अपने जितनी हमारी हैसियत थी उसके अनुसार मैंने उनके योगदान दिया। उनको जो है तो बढ़ाने में जो है जितना हमारा शक्ति चली उतना जो है उनको दिया जी। पार्षद जी क्या कहना है आपके? बार्ड के एक युवा अच्छी रैंक में हो गए, आपका क्या कहना है? जब से मैं मुझे पता चला है मैं बहुत गर्वान्वित हूँ कि हमारे बार्ड के हैं निवासी हैं और बहुत ही होनहार छात्र निकल के आए हैं जो बाबा प्रमाण के उनको असिस्टेंट साइंटिस्ट की जगह में आए हैं। देश में छठवीं रैंक आना ये गर्व की बात है। मैं यही युवाओं से कहूँगा इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए, नशा से दूर रहें, सारे गलत काम से दूर रहें और ऐसे छात्रों से संपर्क करें, उनके इनका मार्गदर्शन लें कि आगे आप वो भी यहाँ नाम रोशन करें।